नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। रास्ते में मढ़ी कला एक गांव पड़ता है, गंगेल चौकी आती है, उसमें चौकी के कम से कम 200 मीटर 300 मीटर पहले ही लोग बहुत तादाद में गालियां वालियां देते हुए पत्थर उठा के रोड के दोनों किनारे खड़े थे और पत्थर उन्होंने ऐसे कर रखा था कि वो गाड़ियों में फेंक दी। हमारी गाड़ी 55 के लगभग स्पीड में रही होगी और ताबड़ तोड़ पत्थरबाजी करी होगी। हमने कैसे भी ये अवॉइड किया कि पत्थर स्पीड में ना जाए, स्पीड टूटेगा तो हम लोग की गाड़ी अनियंत्रित होकर कहीं भी गिर सकती है। और उस घटना किया का आयाम 0 से लेकर 6 डेप्थ तक हो सकता था, वो बड़ी सूझबूझ और बड़ी हिम्मत दिखाने के कारण साथियों के वो घटना अवॉइड हो गई, हम लोग तो कैजुअलिटीज नहीं हुई, पर अपराध बहुत बड़ा घटना। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में 40 साल से रीवा में रह रहा हूँ और अपनी गाड़ी में लगभग 7 लाख किलोमीटर को चला चुका हूँ। ऐसा अपराध मैंने पहले ना सुना था ना देखा था अपने साथ। आज अपराध के ऊपर पुलिस का नियंत्रण 0 बराबर है। ये कोई मजे हुए अपराधी नहीं है जो ये अपराध कर, बिल्कुल हल्के लड़के हैं, अपनी कमाई और नशे के कारण ऐसा सब अपराध कर रहे हैं। और रात में जब हमने थाने से पुलिस की मदद लेनी चाहिए तो चौकी में एकमात्र सिपाही था, वो खुद कह रहा था भैया अकेला हूँ मैं क्या कर सकता। उस घटना में अगर पुलिस हमें तत्काल मिल जाती है और काबिल होती है कि उस गांव में जाके तुरंत छानबीन की जा सकती तो सारे अपराधी वहीं पर मिल जाते, पर ये तुरंत छानबीन करने के बजाय पुलिस ने अपना विवेचना का, मुखबिर का, ये सब पे ज़्यादा भरोसा किया तो उन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि हम अपराधियों को 2 दिन के अंदर आपको पकड़ लेंगे। हमने कहा भाई बात हमारी नहीं, समाज के जितने भी लोग इस तरह परिवार सहित यात्राएं करते हैं ये बात सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी के साथ किसी भी हद तक गंभीर अपराध हो सकता है, इसको आपको रोकना पड़ेगा और रोकने की शुरुआत आपको आज इसी अपराध से करना पड़ेगा। ये गांव लगभग 30 साल से बदनाम है ऐसे अपराध करने के लिए, पुलिस के नियंत्रण अगर आज तक नहीं आ पाया है तो फिर खराब बात। हम समाज के लिए एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे अगर पुलिस हमको यहाँ पर असफल दिखिएगा। फिर थाने की पुलिस की पोस्टिंग करा के हम लोग आगे गए, रेडिएटर में चोट होने के कारण रेडिएटर का पानी गिर गया, थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी बंद हो गई इंजन हीट होने के कारण। वहाँ जैसे ही हम लोग अपने रेडिएटर को अटेंड कर रहे थे, सामने चल रहे एक ट्रैक्टर को एक ट्रक ने इतना जोर का झटका मारा कि ड्राइवर स्पॉट पर ही डेथ हो गया और हम रेस्क्यू के नाम पर सरकार का कोई प्रेजेंस था ही नहीं। टोल प्लाजा में प्रावधान है कि रेस्क्यू व्हीकल रखेंगे, टोल प्लाजा में प्रावधान है कि वो एक एम्बुलेंस रखेंगे, उनकी नियमित पेट्रोलिंग होती है। और दूसरी घटना जो ट्रैक्टर चालक की मृत्यु हुई वो केवल सरकार की लापरवाही हुआ। अगर आप सभी साथी हमारे साथ मौके पे चले तो हम दिखा देंगे कि एक रोड कट करके बड़े बड़े बोल्डर्स निकल आए हैं तो पीछे ट्रक ने अपने टायर को बचाने के लिए बोल्डर को अवॉइड किया, इतने में ट्रैक्टर को जम के धक्का लगा। तो ये जो सरकार का नेग्लिजेंस है टोल प्लाजाओं का, ये इन रोड एक्सीडेंट्स का सबब बन रहा है। ना टोल पे कोई सरकारी ऑडिट होता है, ना कोई उनका मेंटेनेंस का मुआयना करता है, रोड साइन नाम की चीज़ का टोल के प्लाजा के ओनर्स छाँटते तक नहीं और सरकार बिल्कुल बेफिक्र अपने साथियों को टोल बांट करके सोती हुई बैठी। टोल 2 गुना दाम दे रहे हैं, मैं आपको 5 पर्चियां दिखाता हूँ, जहाँ पर दर 60 रुपये होनी चाहिए वहाँ 120 वसूल रहे हैं। लोकल व्हीकल को 50% की छूट है, अगर 80 का टोल है तो 40 मार्च चार्ज किया जाएगा MP17 वाहनों से, फिर भी उनसे 80 लिया जा रहा है जबरिया। सब कुछ चीज़ें NHI के टोल की छाया में हो रही हैं, CCTV कैमरे के सामने हो रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है। आपके समक्ष में पिछले 3 दिनों में जो टोल चार्जेस दिए हैं इनकी पर्चियां आपको दिखाना चाहता हूँ। जो भी टोल्स 60 के हैं उनसे 120, 80 वालों से 160 और जो लोकल व्हीकल को बेनिफिट देते हैं सेम जिले का होने का उसको 80 के बजाय 40 देते हैं, पूरे 80 काटे जा रहे हैं। परसों रात हम लोगों ने बिछिया थाने में FIR भी कराई, उसमें अभी तक एक फोन भी नहीं आया है कि आप अपना मुकदमा दर्ज करें। वस्तु स्थिति यह है कि जब हमने गैजेट खोल के देखा जो पूरे भारत के लिए सेम दरें बताई जाती हैं उसमें कोई पीनल क्लॉज नहीं है कि पेनल्टी 2 टाइम्स लगा सकते हैं आप। वाहन अगर टोल पे खड़ा हुआ है तो किसी भी माध्यम से फ़ोनपे से या किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, वो गैजेट में मैंशन है। फिर भी ये टोल प्लाजा के मालिक सरकार के चूँकि करीबी लोगों को ये टोल मिलते हैं इसलिए सरकार बिल्कुल नज़रअंदाज करती है और जनता की खुली लूट है। ये खुली सरकारी लूट और बढ़ता अपराध नशा और बेरोजगारी के कारण बढ़ा, इसमें हमको तत्काल राहत चाहिए। सरकार जनता का टैक्स लेके टैक्स चलाती है, अगर उनकी जान की हिफाजत नहीं कर सकती जहाँ सीधे जान पे बनती है, सरकार अगर वो नहीं कर सकती है बहुत शर्मनाक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि घटना हमारे साथ होती तो हम शायद आपसे बात नहीं करते,
पर अपराध कहीं भी घटित हो रहा हो पूरे समाज पे घट जाए उसकी बहुत ज्यादा चांस। सर ये टोल वाली शिकायत आप कहाँ की? बिछिया थाने में हमने FIR डाली है। टोल की शिकायत बिछिया थाने।